हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आप लोग को एक अपना नया अपडेट और आज मैं फाइनली एक वीडियो भी अपलोड करने जा रही हूँ। इस टाइम आप लोगों को कंटिन्यूस वीडियो इस वजह से नहीं मिल पा रहे थे क्योंकि मैं स्टिल थोड़ा बिजी थी। आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए और जल्दी से मेरे 1K सब्सक्राइबर से ज़्यादा करवा दीजिए। और आप लोगों ने मुझे मेरे बहुत सारे वीडियो को सपोर्ट किया है, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आज मैं ये जो मेरे हाथ में आप लोग देख रहे हो, ये हैं बाजरे के बीज, इसको मोटा अनाज भी बोलते हैं। वैसे मैंने अपनी लाइफ टाइम में तो पहली बार ये बाजरे का बीज देखा है, क्योंकि मैं पहले टेरेस गार्डनिंग नहीं करती थी लेकिन अब मैं करने लगी। तो अब धीरे धीरे मुझे सारे प्लांट्स उनके सीड्स के बारे में अब मुझे पता चलने लगा है। आप में से किसने पहली बार बाजरे का प्लांट, मतलब बाजरे का ये बीज देखा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये जो है ये बाजरे का बीज है जो कि मैंने अपने टेरेस गार्डन में लगाया था। और ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैंने क्या किया था, मिट्टी जो हमारी फर्टिलाइज़र जो हमारा बना हुआ था मैंने वो मिट्टी में मिला दिया, और उसके बाद जैसे ऐसे करके बीज छिड़काए जाते हैं पूरे उसमें मैंने सब छिड़का दिए। और आज की डेट में वो 3 महीने के हो चुके हैं और आज मैं आप लोग को उनका अपडेट दिखाने वाली हूँ। ये देखिए आप लोग, ये 3 महीने की मेरी ग्रोथ है बाजरे की। और जैसे कि आप लोग मेरे अगर पुराने वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि इसी प्लेस पे मैंने अपने बैंगन के पेड़ लगाए थे जो कि मैंने हटा दिए हैं, जो कि मैं सीज़न के टाइम के हिसाब से मैं प्लांट वगैरह चेंज करती रहती हूँ, प्लांट की प्लेस चेंज करती रहती हूँ। अब जैसे पिछली बार यहाँ पर बैंगन था तो इस बार बाजरा है, इस बार बैंगन में मैंने सोचा हुआ है कि मैं उनको गमले में लगाऊँगी। आप लोग भी अपने टेरेस गार्डन में ऐसे ही लगाया करिए तो थोड़ा इन्वायरमेंट भी चेंज होता रहता है। ये देखिए, ये मेरा अभी छोटा सा है बाजरे का पेड़ और ये दूसरा है, देन ये तीसरा, इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी जल्दी हो रही है, एंड देन फोर्थ वो है। आप लोग ये भी देख सकते हैं, इनकी स्टेम जो है ये मोटी है। और हाँ, मैंने अभी बैंगन का पेड़ हटाया नहीं है, ये मेरे बैंगन का ही पेड़ है और ये सब पूरी ग्रोथ होके रखी हुई है। और जैसे कि आप लोग भी अभी अपने टेरेस गार्डन में ये बाजरे का पेड़ लगा सकते हो। और ये देखिए, ये मतलब कि आप लोग जैसे कुछ लोग गाय वगैरह जिनके यहाँ आती है वो ये इसको घास के तरीके यूज़ कर सकते हैं। और ये जो आप लोग ये सूखा सूखा देख रहे हो, ये भी बाजरे का ही पेड़ था जिसको मैंने, ये देखिए, उखाड़ दिया है। मैंने इस वजह से उखाड़ दिया क्योंकि मेरे पास इतनी स्पेस नहीं थी कि मैं इतना ज़्यादा बाजरा, ये देखिए, ये पूरा इतना बाजरा मेरा मैंने इसको उखाड़ के फेंक दिया है। अभी ये कुछ नहीं, जैसे गर्मियाँ बहुत होती हैं तो अब मैंने इनको ऐसे मिट्टी में डाल दिया, तो ये देखिए मिट्टी जो हमारी वो जल्दी सूखती नहीं है। आप लोग अपने नीड के हिसाब से लगा सकते हो, आप लोग अपनी नीड के हिसाब से प्लांट लगाया करिए। अब जैसे मेरे पास स्पेस नहीं थी तो मैंने वो वाले प्लांट उखाड़ दिया बाजरे का, और फाइनली अब मेरा ये वाला है। अब जब इसमें पहला, मतलब कि मैंने तो बाजरे का प्लांट भी पहली बार देखा है, तो इसका जैसे कोई फल फ्रूट जैसे ही आएगा मैं आप लोग को उसका अपडेट दूँगी। और ये मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ थोड़ा सा मुझे सपोर्ट और करते रहिए जैसा आप मेरे पुराने वीडियोज़ को करते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।